जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के सबसे लंबी ट्रेन जिसको खींचने के लिए 6 इंजन का इस्तेमाल इंडियन रेलवे करती है, तो इसमें आपको पता चलना चाहिए कि जब 6 इंजन इसमें खींचने के लिए लगता है तो इसमें बोगी यानी कि कोच की संख्या कितनी इस ट्रेन में होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा ही एक अजूबे ट्रेन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि भारत में ही चलाया जाता है। किस एरिया में इसको चलाया जाता है और इस ट्रेन को किस काम में लिया जाता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिए, इसलिए कि अगर आप इंडियन रेलवे से जुड़े हुए हैं तो ऐसी जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, ये सब जानना बेहद जरूरी होता है। आपको शायद यकीन नहीं होगा, अगर हम 6 इंजन वाली ट्रेन की बात करें, आप विचार करें कि 6 इंजन की क्या कोई ट्रेन होगी। अगर ऐसा हो तो 6 इंजन कितनी बड़ी ट्रेन खींच सकती है। लेकिन आपको बता दें कि हर दिन ट्रेन से हजारों लाखों लोग सफर करते हैं, इसीलिए ट्रेन की लंबाई वैसे भी पर्याप्त है, लेकिन कुछ ट्रेनों को कई इंजन चाहिए। आपको भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? आपको कई बार विभिन्न ट्रेनों से सफर किए होंगे। वास्तव में भारतीयों का मानना है कि एक शहर से दूसरे शहर या अन्य दूसरे राज्यों के जाने के लिए ट्रेन सबसे अच्छी और सस्ती साधन है। एक ट्रेन में प्रत्येक वर्ग को अध्ययन रखते हुए एक कोच को चुना जाता है। भारत में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेन ही है। आज हम आपको सबसे लंबी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर उस ट्रेन की बात करें तो सुपर वासुकी भारत की सबसे लंबी ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। सुपर वासुकी ट्रेन भारत में सबसे लंबी ट्रेन है। ट्रेन की दिलचस्प बात यह है कि यह स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह पर शुरू की गई थी। इस ट्रेन में 295 डिब्बे न कि 20 या 30 डिब्बे इसमें लगे होते हैं। यह ट्रेन लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है, जो हैरान करता है। ट्रेन के डिब्बों में गिनते गिनते आपको लमसम घंटों का समय लग जाएगा। सुपर वासुकी भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। यह छत्तीसगढ़ के कोरबा से 27,000 टन कोयले का बोझ उठाकर नागपुर राजनंद गाँव तक चलाई जाती है। यह दूरी तय करने में लगभग 11.20 घंटे का समय ट्रेन लेती है। सुपर वासुकी को एक मालगाड़ी का रूप देने के लिए 5 मालगाड़ियों के रैक मिलाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में ट्रेनों की क्षमता से 3 गुना अधिक कोयला इस ट्रेन से एक दिन में 3000 मेगावाट बिजली बनाने के लिए पर्याप्त है। यह ट्रेन एक बार में लगभग 9000 टन कोयले ले जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारे देश में ऐसी भी एक ट्रेन है जो कि 295 डब्बा यानी कि 295 कोच लेकर एक साथ चलती है, जिसमें कि 6 इंजन लगाए जाते हैं। इसको माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसमें कोयला या कोई पत्थर वत्थर लाद कर इसे ले जाया जाता है। इसको माल ढुलाई के काम में लाया जाता है, जिसको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वीं सालगिरह के अवसर पर इसे शुरू की गई थी। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं मालूम था, अगर आपको नई जानकारी हुई है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।